हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी भाई बहनों को हमारे आप सबका स्वागत है रोशनी जी की रसोई में। तो आप सबको लेकर के आ गए हम भिंडी की बहुत ही आसान तरीके की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। मार्केट में बहुत ही अभी ताज़ी ताज़ी भिंडी आ रही है फ्रेंड्स, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो भिंडी को हमने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है और भिंडी को हम कट करेंगे फ्रेंड्स। तो ऊपर का जो डंठल रहता है उसको निकाल देते हैं और हम इसके थोड़े बड़े बड़े साइज कट कर रहे हैं। आप अपने पसंद से कट कर सकते हो भिंडी को। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी भिंडी की रेसिपी आप सबको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबको हम डेली नई नई रेसिपी लाते रहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हमारी रेसिपी मिल जाएगी। तो भिंडी को हमने कट कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिए हैं हमने दो आलू और आलू को छील लिया है और हम इसको कट करते हैं आलू को। तो देख सकते हो आप, हम पीसेस थोड़े छोटे ही रख रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रख रहे हैं। आप अपने पसंद से कट कर सकते हो आलू को। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हमें कैसी बनाना है ये रेसिपी। तो आलू को कट कर लिया है, यहाँ पे लिया है हमने टमाटर, टमाटर को भी कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा, प्यारी प्यारी से कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आपकी कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। आप कहाँ से कमेंट कर रहे हो, देख रहे हो वीडियो, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ली हमने दो हरी मिर्ची और मिर्ची को भी हम कट कर लेते हैं। मिर्ची आप कम ज़्यादा अपने पसंद से डाल सकते हो फ्रेंड्स। तो हमने मिर्ची को भी कट कर लिया है और गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने पहले से ही एक तवा चढ़ा दिया था फ्रेंड्स और तेल डाल देंगे, तेल को कर लेंगे अच्छे से हम गरम, तभी रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ये रेसिपी लाकर आए हैं भिंडी की। तो आप सभी को ये रेसिपी हमारी भिंडी की बहुत ही पसंद आएगी फ्रेंड्स, और आप एक बार बनाओगे तो ये बार बार बनाकर खाओगे, इतनी टेस्टी बनती है। हम सबको तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी फ्रेंड्स, हमारे सभी घर में परिवार को सभी को ये हमारी भिंडी की रेसिपी बहुत ही पसंद आई थी। तो ज़रूर से आप सबको भी पसंद आएगी और आप कमेंट करके बताइएगा बनाकर खाकर कि ये आपको हमारी भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। तो आप ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा तेल जो है गरम हो गया है और हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तभी हमें इनमें डाल देना है आलू। आलू को हम फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। तो हम बता रहे हैं आपको कि हम ये भिंडी नए तरीके की बना रहे हैं, आपको नए तरीके की भिंडी बनाकर दिखाएंगे फ्रेंड्स। आपने ऐसी भिंडी नहीं बनाई होगी कभी, और बनाई है तो आप कमेंट करके बताइएगा हमें। तो अच्छे से हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। आलू को फ्राई करने से हमारी जो भिंडी है बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनेगी। तो हम अच्छे से आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको हम फिर से याद दिला दूं कि अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं की है तो नीचे लाइक का बटन दिया गया है, आप ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप सबको हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाकर लाते हैं फ्रेंड्स, तो इतना फ़र्ज तो बनता ही है आपका कि लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने में हमको आप सब सपोर्ट करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो आलू हैं अच्छे से तल रहे हैं। जब तक हम यहाँ पे कुछ मसाले रख देते हैं फूलने के लिए, तो हमने दो चम्मच लिए हैं धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच ली है हल्दी पाउडर। तो सभी मसालों को फूलने के लिए छोड़ देते हैं और हमारे यहाँ आलू भी अच्छे से तल गए हैं तो हम निकाल लेते हैं। तो आलू को निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने एक बर्तन में सभी आलू को निकाल लिया है और हम यहाँ पर डाल देंगे अब भिंडी। भिंडी को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है।
दो तीन मिनट के लिए। तो हम भिंडी को भी फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चलाते चलाते हम भिंडी को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार हमारे तरीके से ज़रूर से बनाइएगा भिंडी को। तो दो तीन मिनट के लिए यही करना है फ्राई भिंडी, ज़्यादा नहीं करना है। दो तीन मिनट कर लेंगे फ्राई तो ये बहुत ही टेस्टी बन के हमारी भिंडी तैयार होगी। आप ऐसे ही बना भी सकते हो बिना फ्राई के, पर फ्राई करके बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार हमारे तरीके से बनाओगे तो आप बार बार बनाओगे, आपके यहाँ सभी परिवार वाले खाएंगे तो आपकी तारीफ ही तारीफ करेंगे कि ये बहुत ही टेस्टी भिंडी बनी है। एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हम भिंडी नए तरीके की कैसे बना रहे हैं। आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आप हमारे तरीके से भिंडी नहीं बना पाएंगे फ्रेंड्स। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा तभी आप हमारे तरीके से बना सकोगे भिंडी को। तो भिंडी भी हमारी दो तीन मिनट के लिए हमने फ्राई कर ली है और अब हम निकाल लेते हैं भिंडी को एक बर्तन में। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी भिंडी को हमने निकाल लिया है और इसी में हमारा तेल जो है बच गया है तो इसी में हम तड़का लगाएंगे। ज़्यादा नहीं है, इतना है कि हम इसको अच्छे से तड़का लग जाएगा हमारी सब्जी में। ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं, जितना हमें चाहिए इतना ही तेल बचा है। तो एक चम्मच डाल दिया है हमने जीरा और कटी हुई दो हमने काटी थी हरी मिर्च वो डाल दी है और आधा चम्मच डाल दी है हमने राई। आप चाहो तो इसी स्टेज पे लहसुन डाल सकते हो, प्याज भी डाल सकते हो, पर फ्रेंड्स हम ये गैर लहसुन प्याज की बना रहे हैं तब भी ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है भिंडी की सब्जी। तो देखें फ्रेंड्स, मसाले जो है हमने अच्छे से चटका लिए हैं, हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो हम जो मसाला रखा था वो डालेंगे इसी में। पहले डालते हैं आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, तो इसमें डालेंगे तो हमारी सब्जी का कलर अच्छा आएगा। अब हमने जो मसाले रखे थे वो डाल दिए हैं और अच्छे से हम मसालों को भूंज लेते हैं। तो अच्छे से मसालों को भूंजना है फ्रेंड्स, चलाते चलाते हम भूंज लेंगे सभी मसालों को अच्छे से। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक अभी तक नहीं की है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मसाले हैं अच्छे से इसका पानी जो है वो कम होने लगा है, अच्छे से हमारे मसाले में सौंधी सी खुशबू आने लगेगी। तब तक हमें मसाले को अच्छे से पकाना है चलाते चलाते, क्योंकि अच्छे से मसाले को कोई कोई नहीं पकाता है और डाल देता है सब्जी तो वो सब्जी टेस्टी नहीं बनती है। अच्छे से मसालों को भून लेंगे तभी सब्जी को डालना है फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा तभी आपकी सब्जी अच्छे से टेस्टी बनके तैयार होगी। तो मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो मसाले अगल हो जाएंगे और तेल हमारा जो मसाले में है वो दिखने लगेगा। तो समझो हमारा मसाला है भून के तैयार हो जाएगा। बस अभी हमें थोड़ी देर के लिए और इसको भूंजना है मसाले को। अभी हमारा तेल है जो ज़्यादा अगल नहीं हुआ है तो हम इसी में अभी डाल देते हैं टमाटर। तो टमाटर भी हमारा मसाले के साथ में भुन जाएगा फ्रेंड्स। तो टमाटर को भी हम इसको ढक के पका लेते हैं, हमारा मसाला भी अच्छे से पक जाएगा और टमाटर भी पक जाएंगे फ्रेंड्स। तो दोनों चीज़ हमारी अच्छे से पक जाएंगी, हम इसलिए ढाँक के इसको पका लेते हैं। टमाटर तो आप जानते ही हो फ्रेंड्स के ढाँक के पकाते हैं तो वो जल्दी से पक जाते हैं। तो आप टमाटर जब भी पकाते हो तो आप किसी भी थाली बर्तन से ढाँक दीजिएगा तो आपके टमाटर जो है जल्दी से पक जाएंगे।
तो हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे फ्रेंड्स टमाटर को। 2-3 मिनट में हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो गए हैं और हम टमाटर को अब देख सकते हैं। इसका जो मसाला भी है वो भी हमारा अच्छे से जो है भुंज गया है और साथ में टमाटर भी हमारे जो भुंज गए हैं। तेल अगल दिखने लगा है आप देख सकते हो। तो जो हमने आलू रखे थे फ्राई करके और भिंडी, हम दोनों चीज़ों को डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में दोनों चीज़ों को। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अच्छे से भिंडी को और आलू को मिक्स कर दिया है, अच्छे से मिला दिया है मसाले में। और यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप अपने पसंद से नमक कम ज़्यादा कर सकते हो, आप जैसा नमक खाते हो वैसा अपने पसंद से डाल सकते हो। तो देखिए हमने नमक को भी अच्छे से भिंडी में मिक्स कर दिया है। हमें पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, तो हम ऐसे ही इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। भिंडी को पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, आप इतना ध्यान रखिएगा। अगर पानी डालोगे तो ये बहुत टेस्टी नहीं बनती है फ्रेंड्स, आप गैर पानी के ही डाल बनाइएगा। टमाटर डाल दिया है हमने तो उसी में से पानी निकलता है, तो उस उतने में हमारी भिंडी तली हुई थी, आलू भी हमने तला लिए थे फ्राई कर लिए थे, तो हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम 2-3 मिनट के लिए ही इसको छोड़ देंगे ऐसे ही ढक के, तो हमारी भिंडी अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी, हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है फ्रेंड्स, आप इतना ध्यान रखिएगा। हमारी भिंडी ऐसे ही पानी बिना पानी के बनके तैयार हो जाएगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप भिंडी कैसे बनाते हो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे हम बार बार कह रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाकर लाते हैं आप सबको, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हमें बढ़ने में आप सब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आप सब सपोर्ट करोगे तभी हमारा जो चैनल है आगे जा पाएगा। तो आप ज़रूर से हमें सपोर्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो गए हैं और हमारी जो भिंडी है आपको वो दिख रही होगी कितनी ही अच्छी बन के तैयार हो गई है, और हमें पानी डालने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारी भिंडी जो है बन के तैयार है, आप देख सकते हो भिंडी अच्छे से चढ़ गई है, तो हमें इसको अब पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्योंकि फ्राई कर ली थी तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डाल देंगे हम किचन किंग मसाला, इससे जो हमारी भिंडी है बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ली है हमने सूखी कैरी की, हम करिए बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, तो वो हम बना कर रख लेते हैं गर्मियों में जब आम रहते हैं, तो हमने उसको पानी में भिगो कर रख दिया था, तो इसमें डाल दिया है। आपके यहाँ ये आम की कलियाँ ना हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो, क्योंकि खटवाई डालने से थोड़ी आपकी भिंडी जो है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो हम 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं, क्योंकि हमने आम की कलियाँ डाली हैं उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस उनको वे बाप में ही थोड़ी देर के लिए रख दोगे, छोड़ दोगे पकने के लिए, तो वो पक जाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। होएं अगर आपके यहाँ आम की कलियाँ तो आप ज़रूर से डालिएगा भिंडी में। हमने टमाटर डाला तो था फ्रेंड्स, पर वो ज़्यादा खट्टा नहीं रहता है, इसलिए हमने आम की कलियाँ डाली हैं। आप चाहो तो नींबू भी निचोड़ सकते हो, पर हमारे यहाँ रखी थी तो हमने वही डाल दी। अक्सर हम लोग सब्जी कुछ भी बनाते हैं तो डाल लेते हैं आम की कलियाँ, सुखा कर रख लेते हैं गर्मियों में। तो फ्रेंड्स हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक नहीं की है तो।
आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और हम आपको अच्छे से समझा पाते हैं, बता पाते हैं या नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है हमारा, अगर हम बोलते हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके हमको, आपका हम कमेंट करोगे तो जवाब ज़रूर से देंगे फ्रेंड्स। तो आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आता है रेसिपी हम बनाते हैं बोलते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो है 1 मिनट हो गया है और अब हम इसको देख लेते हैं कि अभी तक हमारी ये वो आम की कलियां हमने डाली थी वो पकी हैं या नहीं पकी हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको हमारी ये भिंडी की रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं लगी, आप इसी तरीके से बनाइएगा। तो देखें फ्रेंड्स, हमारी भिंडी जो है बनके तैयार है, हमारी जो आम की कलियां हैं वो भी पक गई हैं, करीब हमने 2 मिनट इसको पका लिया है। और हम अब एक बर्तन में रख लेते हैं भिंडी को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी कितनी टेस्टी सी प्यारी सी बन के तैयार है, आप हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।